Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. In today's class, we will start this story, The Magic Porridge Pot. Okay, The Magic Porridge Pot of Unit 9. Okay, so in today's class, we will read this story. So before starting the story, let's first see what is the meaning of porridge. Okay, as you see here, it is written the magic porridge pot. Okay, magic ka matlab to sabko pata hai. Magic matlab kuch bhi jadu, usko bolte hain. And porridge, what is the meaning of porridge? If you remember, in the chapter Curly Locks and the Three Bear, we also discussed this word, porridge. Okay, so this is the porridge, P-O-R-R-I-D-G-E. Its meaning is crushed wheat, dalia. Okay, in Hindi, we say dalia. जब गेहूं है उसको हम जब तोड़ देते हैं बारीक बारीक क्रश कर देते हैं उससे हम एक ये खाने की डिश बनाते हैं बेटा उसको नमकीन या मीठा खाते हैं हम लोग सो इसको हम बोलते हैं पॉरिज ओके सो दिस स्टोरी इज अबाउट ए मैजिक पॉरिज पोट ओके सो इन दिस स्टोरी देर इज अ गर्ल यंग गर्ल हु फाइंड्स अ मैजिक पोट वेन शी विजिट टू अ फॉरेस्ट ओके जब वो फॉरेस्ट में जाती है थोड़ी से समय के लिए तो वहां पर उसको एक मैजिक पॉट मिलता है ओके दिस मैजिक पॉट कुक्स पॉरिज फॉर हर एंड हर मदर आल्सो ओके सो बट दिस पॉट कुक्स पॉरिज व्हेनेवर दे आस्क्ड द पॉट जब वो उसको बोलते हैं बनाने के लिए वो तभी बनाता है बट अभी बीच में क्या होता है वन डे द गर्ल वेंट टू समवेयर एल्स वो कहीं चली जाती है शी इज नॉट प्रेजेंट एट द होम इन हर एब्सेंस हर मदर टोल्ड द दिस मैजिक पॉरिज पॉट टू कुक तो वो उसको बनाने के लिए बोलती है लेकिन जब वो बनाने के लिए बोलती है तब क्या होता है ठीक है वो बनाता है पॉट पॉरिज बनाता है या नहीं बनाता है तो उसी के बारे में ये स्टोरी है ठीक है अभी हम ये जब स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ओके यस लेट्स स्टार्ट इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 148 The Magic Porridge Pot. Once there was a little girl named Tara. Okay, so what is the name of the girl? Tara. Okay, once there was a little girl named Tara. So if I ask, okay, what is the name of the little girl in Magic Porridge Pot story? So Tara. Her name is Tara. She lived with her mother. They were very poor. Okay, so once there was a little girl, एक लड़की होती है तारा she lived with her mother, वो अपनी माँ के साथ रहती है they were very poor, वो बहुत गरीब यहाँ पे poor से मतलब है बेटा गरीब से कि वो गरीब होते हैं ठीक है उनके पास ज्यादा financial condition अच्छा नहीं है इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं poor okay, one day she went to a forest okay, who? The girl, one day she went to a forest, forest means jungle There she met an old woman. Old woman means boodhi aurat. Okay, so in the forest, the girl met an old woman. Okay, the old woman gave her a pot. तो वो एक forest में jungle में एक दिन वो jungle में जाती है और उसको वहाँ पे कौन मिलती है? एक बूढ़ी औरत मिलती है. The old woman gave her a pot. वो उसको क्या देती है? एक pot देती है. Okay, she said, "This is a magic pot." वो क्या बोलती है ये एक जादुई पॉट है जादू करने वाला पॉट है इट विल कुक पॉरिज फॉर यू ये तुम्हारे लिए पॉरिज बनाएगा दलिया बनाएगा व्हेन यू से जब तुम कहोगी क्या कहना है आपको कुक पॉट कुक ठीक है कुक मतलब पकाना जब हम कोई खाना बनाते हैं हम उसको कुक बोलते हैं ठीक है कुछ भी जब हम पकाते हैं ओके सो यू हैव टू से वो वुमेन उसको बोलती है व्हेन यू से कुक पॉट कुक दिस पॉट कुक फूड फॉर यू ओके इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप ओके सो इफ यू वांट द पॉट टू स्टॉप कुकिंग पॉरिज तो व्हाट यू हैव टू से स्टॉप पॉट स्टॉप तो आपको क्या बोलना पड़ेगा स्टॉप पॉट स्टॉप जब आपको खाना बनवाना है तो कुक पॉट कुक ओके सो जो ओल्ड वुमेन उसको फॉरेस्ट में मिलती है शी गेव वन मैजिक पॉट एंड ऑल्सो सेड दैट इफ यू दिस पॉट
will cook porridge for you when you say cook pot cook. And if you want the pot to stop cooking, then you have to say stop pot stop. Tara was very happy. Okay. Tara was very happy. वो बहुत खुश हो जाती है. She ran to her mother and said, Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot. Okay, so after getting the magic pot, Tara was very happy and suddenly he ran to her mother. Okay, एकदम से ही वो जल्दी से अपनी मदर के पास जाती है and said to her mother that, Mother, we will no longer be hungry. अब हम ज़्यादा दिन भूखे नहीं रहेंगे. As क्यों नहीं रहेंगे? I have got a magic pot. अब मुझे क्या मिल गया है? एक magic pot मिल गया है. ठीक है? तो वो अपनी मदर को बताती है. Tara said to the pot, Cook pot cook and pot good porridge. Okay, Tara said to the pot, जब वो अपनी मदर को बताती है उसके बाद तारा बोलती है cook pot cook. So, जो पॉट है वो तो पॉरिज बना देता है. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी. अब उसकी मदर भी बहुत खुश हो जाती है. एंड दे बोथ एट पॉरिज. वो दोनों पॉरिज खाते हैं, दलिया खाते हैं. ओके, सो आफ्टर गेटिंग द पॉट शी रैन टू हर मदर एंड टोल्ड हर मदर डैट शी गोट अ मैजिक पॉट. तो अब वो भूखे नहीं रहेंगे. हंग्री मीन्स भूखे, भूखा. HUNGRY. ठीक है, अगर आपको भूख लग रही है तो आप क्या बोल सकते हैं? मैडम या फिर अपनी मम्मी को, मदर, मम्मी, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूँ. अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो. ओके, सो आफ्टर दिस तारा सेड टू द पॉट दैट कुक पॉट कुक. सो द पॉट कुक्ड पॉरिज फॉर हर. ओके, आफ्टर सेइंग दिस हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी. वो भी खुश हो जाती है और दोनों पॉरिज खाते हैं. वन डे व्हेन तारा हैड गोन आउट. ओके, एक दिन तारा बाहर गई हुई होती है. हर मदर फेल्ट हंगरी. ओके, तो उनकी मदर को क्या लग रही है? भूख लग रही है. वो भूखा महसूस करती हैं, हंगरी. ओके, शी सेड टू द पॉट. वो पॉट को बोलती है कुक पॉट कुक. ठीक है, उसने सुना है कि वो कुक पॉट कुक बोला तो वो खाना बना देता है पॉट. तो शी सेड टू द पॉट हु हर मदर. हर मदर सेड टू द पॉट दैट कुक पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज. तो ऐसा सुनते ही जो पॉट है वो तो पॉरिज बनाना स्टार्ट कर देता है. ओके, लेट्स सी अब क्या होता है. जब उसकी मदर बोलती है कि कुक पॉट कुक, द पॉट स्टार्टेड मेकिंग पॉरिज. ओके, आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट. ओके, सो आफ्टर ईटिंग द पॉरिज मेड बाय द पॉट, द मदर नाउ नो फर्दर उसको और नहीं चाहिए पॉरिज. तो वो क्या बोलती है पॉट को? डू नॉट कुक पॉट, है ना. लेकिन उसको तो क्या बोलना था? वो उसको क्या सुनाई देगा जब वो बंद करेगा? तो कुक स्टॉप पॉट स्टॉप, कि रुक जाओ. लेकिन उसकी मदर को ये नहीं पता है डू नॉट कुक पॉट. वो क्या बोलती है? डू नॉट पॉट, अब मत पकाओ. बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग. लेकिन पॉट बनाता रहता है, बनाता रहता है, पकाता रहता है पॉरिज. ठीक है, अब वो इतना सारा पॉरिज बन जाता है. ठीक है, तो अब उससे क्या होगा ये देखते हैं. सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिनिंग ऑन द फ्लोर. ओके, सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिनिंग ऑन द फ्लोर. स्पिनिंग का मतलब होता है फैल जाना, बिखर जाना. ठीक है, या जैसे देखिए मैं आपको यहां पे बताती हूँ. स्पिलिंग, स्पिलिंग आप देख रहे होंगे, ग्लास है, ग्लास में से पानी बाहर निकल रहा है. तो इट इज द मीनिंग कि जैसे आपके हाथ से ग्लास छलक गया या छूट गया, उससे पानी गिर जाता है, है ना. तो उसको हम बोलते हैं स्पिलिंग. ओके, सो सिमिलरली यहां पर वर्ड है स्पिलिंग, SPILLING, स्पिलिंग. सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर, फर्श. फ्लोर मीन्स फर्श. तो जब इतना पॉरिज बन जाता है तो अब वो कहाँ पे? उसमें से निकल के फ्लोर पर फैलने लग जाता है, छलकने लग जाता है. मदर कॉल्ड आउट अगेन. अब मदर दोबारा बोलती है वेट, रुको, डू नॉट कुक एनी मोर, अब और मत पकाओ. ठीक है, लेकिन पॉट तो रुकेगा अभी ये सुनने से? नो, बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप. पॉट स्टॉप नहीं करता है, वो बनाता रहता है, बनाता रहता है. ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि सब लोग खा रहे हैं. सो आफ्टर दिस जब वो देख रही है कि पॉट तो खाना नहीं दलिया बनाना बंद नहीं कर रहा है, मदर रैन आउट ऑफ द हाउस. वो घर से
भाग जाती है, बाहर निकलती है, एंड द पॉरिज फॉलोड हर, और उसके पीछे पीछे पॉरिज भी चलता रहता है. ओके, जैसे आप यहाँ पर देखिए पिक्चर में, ये पॉरिज इसमें से बन रहा है और इसकी मदर है यहाँ पे, तो जैसे ही वो बाहर निकलती है उसकी मदर, तो पॉरिज उसको फॉलो करता है. ठीक है. सून देयर वॉज पॉरिज एवरीवेयर. एवरीवेयर मीन्स सभी जगह. अब जल्द ही पॉरिज सभी जगह होता है, वो इतना पॉरिज बन गया है कि वो सब जगह फैल रहा है. उससे क्या होगा देखते हैं. द होल विलेज सॉ इट. होल मतलब सारा, होल मीन्स सारा, पूरा. ठीक है. यू हैव टू रीड दिस होल स्टोरी. अगर मैं आपको बोलती हूँ यू हैव टू रीड दिस होल स्टोरी, आपको ये पूरी स्टोरी पढ़नी है. ओके, होल मीन्स सारा या पूरा. विलेज मीन्स गांव. द होल विलेज सॉ इट. पूरा गांव इसको देख रहा है कि कितना पॉरेज है. दे रैन टू ईट द पॉरेज. अब वो भी, अब खाना मिल रहा है तो उनको लगता है कि ठीक है हम भी पॉरेज खा लेते हैं. ओके, सो दे रैन टू ईट द पॉरेज. वो भी पॉरेज को खाने के लिए भागते हैं. व्हेन तारा केम बैक. ओके, सो आफ्टर सम टाइम, जब आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, तारा केम बैक. तारा वापस आती है. सी सॉ दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज. जब वो वापस आ रही होती है तो देखती है द रोड फिल्ड विद पॉरिज. वो पूरा रोड उससे भर गया है. शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड. वो जितनी जल्दी करके आ सकती है उतनी तेजी से वो भाग कर आती है. शी रैन होम एज फास्ट एज शी कुड. वो जितना तेजी से भाग सकती है वो घर भाग कर आती है, क्योंकि उसको पता है कि अभी तो पॉरिज इतना हो गया है तो शायद उस पॉट नहीं बनाया है. शी हियर्ड हर मदर शाउट. वो अपनी मदर को शाउट करते हुए देखती है, सुनती है. हियर्ड का मीनिंग क्या है? सुनना. हियर सुनना, कान से हम सुनते हैं ना. शी हियर्ड हर मदर शाउट. उस अपनी माँ को चिल्लाते हुए सुनती है. तारा द पोट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप. तो वो बोलती है तारा द पोट इज कुकिंग, पोट खाना बना रहा है, एंड इट विल नॉट स्टॉप. और ये नहीं रुक रहा है, ये नहीं रुकेगा. अब ये बनाता जा रहा है खाना, बनाता जा रहा है. तो अब तारा एकदम से आके क्या बोलेगी? स्टॉप पॉट स्टॉप, है ना. ओके, अब तारा क्या बोलती है? तारा कॉल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरेज. और जैसे ही वो बोलती है पॉट खाना बनाना बंद कर देता है, दलिया बनाना बंद कर देता है. अब जो उसकी मदर है उसको क्या नहीं पता था कि क्या बोलना है? स्टॉप पॉट स्टॉप. उनको ये तो पता था कि कुक करने के लिए बोलना है, कुक पॉट कुक, है ना, उनको ये पता था. लेकिन ये नहीं पता था कि स्टॉप पॉट स्टॉप बोलना है फॉर स्टॉपिंग द पॉट फॉर फ्रॉम कुकिंग. ओके, सो इसीलिए इस जो पॉट है जो उसको एक ओल्ड वुमेन देती है उसको इन्होंने क्या बोला है? मैजिक पॉरिज पॉट. ओके, अभी पता चला कि उसको मैजिक क्यों बोला है, क्योंकि देखिए कोई भी एक बर्तन है, पॉट है, वो अपने आप से तो खाना नहीं बनाएगा ना, और उसको कुक पॉट कुक बोला तो वो दलिया बना देता है. जैसे ही बोलते हैं स्टॉप पॉट स्टॉप तो वो दलिया बनाना बंद कर देता है. तो ऐसा तो नहीं, नॉर्मली नहीं होता है, तो ये कोई जादू का पॉट है. इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द मैजिक पॉरिज पॉट. ओके, कहानी सबको समझ में आई. इसमें एक लड़की है, देर इज वन गर्ल हुज नेम इज तारा. दे हर मदर एंड शी, जो तारा है शी एंड हर मदर, जो वो देवर वेरी पुअर. सो वन डे शी वेंट टू द फॉरेस्ट. देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन. शी गेव अ मैजिक पॉट टू हर एंड सेड दैट इफ यू वॉन्ट द पॉट टू कुक पॉरेज फॉर यू, देन यू हैव टू से कुक पॉट कुक. And if you want it to stop, then you have to say stop pot stop. So after listening all these things or after getting the pot, the girl became so happy. So she ran to her mother and said, mother, mother, look, I got a magic pot. This will cook porridge for us. Okay, so her mother also become very happy. So tabhi wo kya bolti hai ki cook pot cook. To porridge ban jata hai. They both ate and became very happy. But one day the girl went to the went somewhere else. ठीक है, वो एक जगह पे जाती, कहीं बाहर जाती है, और उसकी एब्सेंस में क्या होता है, उसकी मदर को भूख लगती है. तो उसकी मदर सोचती है कि अब मुझे खाना खाना है तो मैं क्या करूं. तो वो कुक पॉट कुक बोलती है, तो उसका पॉरिज बन जाता है
एंड शी एट द पॉरेज बट शी डिडंट नो कि उसको क्या बोलना है, उसको ये नहीं पता था कि उसको बोलना है स्टॉप पॉट स्टॉप. सो शी इज सेइंग कि पॉट वेट पॉट डू नॉट कुक एनी मोर डू नॉट कुक पॉट. वो ऐसा बोलती है लेकिन पॉट तो नहीं सुनता है. द पॉट वेंट ऑन कुकिंग पॉरेज. वो बनाता रहता है, वो इतना पॉरेज हो जाता है कि सारे फ्लोर में फैल जाता है, पूरे रोड पर फैल जाता है और गांव में जितने भी लोग हैं सब उस पॉरेज को खाते हैं क्योंकि अब उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉरेज बना दिया है. ओके एंड उसके बाद क्या होता है कि जब तारा वापस आ रही होती है सो शी सॉ द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज एंड आफ्टर रनिंग टू द होम वो जब भाग कर आ रही होती है तो शी हियर्ड हर मदर कि तारा द पॉट इज कुकिंग द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप. ये रुकेगा नहीं. अब व्हाट, अब हम क्या करें. सो एकदम से तारा क्या बोलती है स्टॉप पॉट स्टॉप. और जैसे ही वो ऐसा बोलती है जो पॉट है वो खाना बनाना पॉरेज बनाना बंद कर देता है. ओके क्लियर. दिस इज वेरी सिंपल स्टोरी. ओके नाउ सी द न्यू वर्ड्स हियर. मैजिक, मैजिक का मीनिंग मैंने आपको बताया जादू. कुक, कुक मीन्स कोई भी चीज पकाना. पॉरेज दलिया. स्पिनिंग फैल जाना छलक जाना. होल, होल मीन्स पूरा सारा. एंड विलेज, विलेज क्या होता है गांव. गांव को हम क्या बोलते हैं विलेज. ओके लेट्स सी द न्यू वर्ड्स विद द मीनिंग. फर्स्ट इज मैजिक. मैजिक ओके इट्स मीनिंग इज वाइजेड्री. ओके वाइजेड्री ओके इसको जादू बोलते हैं. ओके आपको अगर ये वाला मीनिंग अभी नहीं भी समझ में याद नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू. सो आपको मैजिक से याद रहेगा कि मैजिक को क्या बोलते हैं जादू. ओके नेक्स्ट इज कुक. एज यू सी हियर इन द पिक्चर हम गैस पे कुछ पका रहे हैं. तो जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं या पकाते हैं बाय हीटिंग, ठीक है, हीट से गर्मी से, तब हम उसको क्या बोलते हैं गरम करके जब हम उसको कुछ किसी चीज को बनाते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कुक. ठीक है सी डबल ओ के प्रिपेयर पी आर ई पी ए आर ई प्रिपेयर. ओके थर्ड वर्ड इज पॉरेज. पी ओ डबल आर आई डी जी ई पॉरेज मीन्स दलिया और क्रश्ड व्हीट. ओके पॉरेज मीन्स क्रश्ड व्हीट और दलिया इन हिंदी. नेक्स्ट इज स्पिलिंग. आपको पिक्चर में देख के दिख रहा है ग्लास है उसमें से पानी छलक गया है बाहर निकल गया है तो हम उसको बोलेंगे नॉक ओवर. ठीक है बाहर निकल जाना किसी चीज से छलक जाना उसको हम बोलते हैं स्पिलिंग. एस पी आई डबल एल आई एन जी स्पिलिंग. फिफ्थ वर्ड इज होल. फिफ्थ वर्ड इज होल डब्ल्यू एच ओ एल ई. होल मीन्स एंटायर ई एन T-I-R-E, entire, entire, संपूर्ण या पूरा सारा. ठीक है जब हम पूरे की बात करते हैं फुल, जैसे मैंने बोला दिस इज द फुल स्टोरी, यह पूरी कहानी है. यू हैव टू रीड दिस होल स्टोरी. आपको ये पूरी कहानी पढ़नी है. ठीक है सो पूरा मीन्स एंटायर और होल डब्ल्यू एच ओ एल ई होल. ओके सो प्लीज रीड दिस स्टोरी from the book and try to understand the meaning of the new words and you have to write these 5 new words in the copy also. Okay so first listen this video, aap is video watch this video and after that try to read the lesson from the book. aap apne aap usko padhne ki koshish kariye and after that you please write new words in your copy. Okay so this is for today's class. We will do the question answers and book work in the next class. Till then, bye bye and take care and also complete your work. Okay?